हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ड्रीम एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लौकी के बीज से 100% जर्मिनेशन चाहते हैं तो सबसे पहले लौकी के बीज से नर्सरी को तैयार कर लेना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा लौकी का बीज है। लौकी के बीज को सबसे पहले 10 या 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख लेना चाहिए। उसके अगले सुबह बीज को छान कर धूप में थोड़ा सा सुखा देना चाहिए। दोस्तों, यदि आप लौकी की खेती बरसात के मौसम में कर रहे हैं तो नर्सरी तैयार करना बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, ये मेरा लौकी का बीज है और ये इसे हम धूप में थोड़ा देर के लिए सुखाए हैं। अब ये हमारा बोने के लिए रेडी हो गया है। दोस्तों, अच्छा जर्मिनेशन के लिए गोबर की खाद और मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा मिट्टी को इतना भुरभुरी हम बना दिए हैं और एक एक बीज को ये देखिए इस प्रकार से लगाना चाहिए। दोस्तों, याद रहे, पौधे से पौधे के बीज की दूरी 5 इंच रहना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, एक एक बीज को इस तरह से लगाना चाहिए, इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा माटी अभी हम रखेंगे। इस तरह से पौधे के हर एक बीज को इस तरह से हिला देना चाहिए और ऊपर से बीज को तोपने के लिए थोड़ा थोड़ा माटी ऊपर से ऐसे भुरभुरी करके डाल देना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये लगा दिए है हम। अब ये देखिए दोस्तों, 7 दिन बाद ये इतना अच्छा तरह से मेरा लौकी का पौधा जर्मिनेट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, एकदम स्वस्थ है मेरा पौधा, काफ़ी अच्छी तरह से जर्मिनेट हुआ है। हर एक पौधा काफ़ी हरा और स्वस्थ है। ये देखिए कितना अच्छा तरीके से जर्मिनेट हुआ है, मात्र 7 दिन का भी ये पौधा है। दोस्तों, इस प्रकार से आप लौकी की नर्सरी को तैयार कर सकते हैं और ये जब 1 महीने का हो जाएगा तो पौधों को उखाड़ कर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अपना खेत में लगाइए या जहाँ भी लगाना है आप लगा सकते हैं। ये मेरा अभी 7 दिन का पौधा हुआ है और अभी ये बहुत अच्छी तरह से हर एक पौधा जर्मिनेट हो गया है। दोस्तों, यदि आप लौकी की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले नर्सरी को तैयार कर देना चाहिए, क्योंकि नर्सरी में पौधा अच्छी तरह से जर्मिनेट हो पाता है। उसके बाद पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।